हेलो विद्यार्थियों, मैं दयावती, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी एज एस एट ई लर्निंग क्लासेस में। तो आज का हमारा विषय रहेगा सूचकांक। इस विषय पर हम अपनी पहले दो कक्षाएं लगा चुके हैं जिनमें हमने पढ़ा सूचकांक क्या होता है, सूचकांक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और सूचकांक की रचना करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सूचकांक की रचना की क्या क्या विधियां हैं, दो विधियां, साधारण सूचकांक की रचना और भारित सूचकांक की रचना, जिसके अंतर्गत आगे दो दो विधियां और आती हैं, सरल समूहीकरण विधि और सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। ये सब हम पढ़ चुके हैं। जो भारित सूचकांक है, भारित सूचकांक के अंतर्गत भी दो विधियां होती हैं। उन विधियों में से जो भारित समूहीकरण विधि है उसके अंतर्गत आने वाली तीन विधियां लास्पियर, पास्चे और फिशर, इन तीनों विधियों के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, लेकिन इन विधियों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम अपनी आज की वीडियो के अंदर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारित समूहीकरण विधि के अंतर्गत तीन विधियां आती हैं, लास्पियर और पास्चे और तीसरी फिशर मेथड, जिसे हम आदर्श विधि भी कहते हैं। तो इन तीनों विधियों के न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम तीनों विधियों से करके देखेंगे। यहाँ पर एक मद दे रखी है, ए बी सी डी ई, ये पांच मदे हैं और इन पांच मदों की आधार वर्ष में क्या क्या कीमतें हैं, क्या क्या उनकी मांगी गई मात्राएं हैं, ऐसे ही वर्तमान वर्ष यानी कि चालू वर्ष के अंदर इन वस्तुओं की कितनी प्राइस है और कितनी क्वांटिटी है, ये सब स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट होती है वो इस तरह से होगी, मदे होंगी, आधार वर्ष में वस्तुओं की कीमतें और वस्तुओं की मात्रा होगी और चालू वर्ष के अंदर वस्तुओं की कीमतें और वस्तुओं की मात्रा होगी। अब हमें आगे लास्पियर मेथड से, पास्चे मेथड से और फिशर मेथड से सूचकांक निकालना है। तो इन पांचों मदों की जो ये जीरो पी जीरो यानी कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर से रिलेटेड, और वन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वर्तमान यानी कि करंट ईयर से। तो पी जीरो यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्या जीरो यानी कि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, पी वन वन फॉर करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, और क्या वन यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो इतना हमें गिवन है। अब हमें निकालना है तीन तरीकों से। पहला तरीका हमारा है लास्ट ईयर मेथड। तो लास्ट ईयर जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने सूचकांक निकालने के लिए क्या फार्मूला दिया, ये हम अपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट ईयर जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बेस ईयर की आधार वर्ष की मात्राओं को अधिक महत्व दिया था। तो आधार वर्ष की मात्राओं को अधिक महत्व देने के कारण उनका फार्मूला था पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो। यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूले के जो न्यूमरेटर है वहां पर भी क्यू जीरो और नीचे भी क्यू जीरो, ये क्यू जीरो बेस ईयर की मात्राएं हैं और लास्ट ईयर ने बेस ईयर की मात्राओं को ही महत्व दिया है। तो ये लास्ट ईयर का फार्मूला है। तो जब हम सूचकांक निकालते हैं लास्ट ईयर मेथड से तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा तरीका आता है, वो है हमारा पास्चे मेथड। पास्चे ने भी सूचकांक निकालने का फार्मूला दिया है, लेकिन पास्चे ने जो फार्मूला दिया है उन्होंने आधार वर्ष की मात्राओं को महत्व ना देकर किसे महत्व दिया है, करंट ईयर की मात्राओं को महत्व दिया है। तो करंट ईयर की मात्राओं को महत्व देने के कारण उनका फार्मूला है पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू वन, क्योंकि पास्चे ने किसे महत्व दिया है, करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो क्यू वन भी करंट ईयर की क्वांटिटी है और यहां पर भी क्यू वन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर क्यू वन, क्योंकि इन्होंने किसे महत्व दिया है, जो करंट ईयर है करंट ईयर की क्वांटिटी को महत्व दिया है, जबकि लास्ट ईयर ने बेस ईयर की क्वांटिटी को महत्व दिया है। तो ये इन दोनों के फार्मूले हैं। फार्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इन फार्मूलों की मदद से हमें करना क्या है, हमें सूचकांक निकालना है, इंडेक्स निकालना है। तो जब हम लास्ट ईयर और पास्चे मेथड निकालेंगे तो हमें चाहिए पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू वन और पी जीरो क्यू वन। तो अब हम ये सब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी वन क्यू जीरो। P1 क्या होता है, P1 यानी कि जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर की प्राइस, तो करंट ईयर की प्राइस और गुणा
जो आधार वर्ष है उस आधार वर्ष की मात्रा, तो हम पहले सबसे पहले ये निकालते हैं। तो पी वन हमारी यहाँ पर क्या है, ये करंट ईयर की प्राइस है, और क्यू जीरो ये हमारी जो बेस ईयर है, बेस ईयर की क्वांटिटी है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 20 को हम 10 से गुणा करते हैं, 20 गुणा 10 200, अब 40 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 120, फिर 5 को करेंगे 20 से गुणा तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पूरे 100, 20 गुणा 8 यहाँ हो जाएगा हमारा 160, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से तो हमारा हो जाएगा 80। तो इस तरह से हम P1 क्यू जीरो यानी कि करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेनोमिनेटर के अंदर है P0 क्यू जीरो यानी कि दोनों के दोनों बेस ईयर की ही प्राइस है और बेस ईयर की ही क्वांटिटी है। तो अब हम P0 क्यू जीरो ये निकालेंगे। P0 ये रहा प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्यू जीरो भी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुना 10 करने से हमारा यहाँ पर आएगा 100। 35 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पूरे 105। 35 गुना 3 30 को 5 30 गुना 5 30 गुना 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 150। इसके बाद 10 गुना 20 10 गुना 20 करेंगे तो पूरे हमारे 200। और फिर 40 गुना लास्ट में 40 को जब 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 80। तो इस तरह से हमने P1 क्यू जीरो ये भी निकाल लिया, P0 क्यू जीरो ये भी निकाल लिया। लास्ट ईयर मेथड से जब हम सूचकांक निकालते हैं तो उसके लिए हमें जो चाहिए वो हमने निकाल लिया। इसके बाद पास्ट ईयर मेथड से जब हम निकालेंगे तो वहां के लिए हमें P1 क्यू वन यानी कि प्राइस भी करंट ईयर की और क्वांटिटी भी करंट ईयर की, दोनों चीजें करंट ईयर की है। P1 क्यू वन तो P1 हमारा ये है, क्यू वन ये है, दोनों वर्तमान वर्ष चालू वर्ष की क्वांटिटी और चालू वर्ष की ही प्राइस है, तो इनकी गुणा करते हैं। 25 को हम 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारे आएंगे पूरे 500। इसके बाद 40 गुणा 10 40 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पूरे 400 आएंगे। फिर 20 को करते हैं हम 15 से गुणा तो ये हमारे हो गए 300। और 8 गुणा 10 8 गुणा 20 तो ये हमारे 160। और 40 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारे हो गए 200। तो हमने P1 क्यू वन ये भी निकाल लिया। अब लास्ट में जो हमें चाहिए वो है P0 क्यू वन। P0 बेस ईयर की हमारी प्राइस और क्यू वन हमारी जो करंट ईयर है, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो हम P0 क्यू वन ये निकालते हैं, ये हमारी P0 है और ये हमारा क्यू वन है। तो हमें इन दोनों की गुणा करनी है। 10 को गुणा करेंगे हम 25 से तो 10 को 25 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 250। इसके बाद 35 को 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा 350। और इसके बाद 30 गुणा 15 30 को जब हम 15 से गुणा करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 450। और 10 गुणा 20 10 को 20 से गुणा करते हैं पूरे 200 आएंगे। और लास्ट में हमारा 40 गुणा 5 तो ये भी हमारे 200 आएंगे। तो इस तरह से हमने लास्ट ईयर और पास्ट ईयर दोनों के लिए जो जो हमें चाहिए वो सब हमने P1 क्यू जीरो P0 क्यू जीरो P1 क्यू वन P0 क्यू वन ये चारों चीजें हमने निकाल दी। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें इन सबका सिग्मा करना है। सिग्मा यानी कि टोटल, हम योग करेंगे, सबका योग करेंगे। तो चलिए करते हैं योग भी, सबसे पहले इन्हीं का करते हैं हम योग। तो यहाँ पर हम इनको प्लस करते हैं, जीरो ये जीरो आएगा यहाँ हमारा, 5 में 5 10 और ये 15 और 1 हमारा कैरी हो जाएगा 3 6 6 प्लस 4 10 12 और ये 14 1450। सिग्मा P0 क्यू वन कितना गया 1450। इसके बाद हम P1 क्यू वन का सिग्मा करते हैं, इसे भी ऐसे ही जोड़ेंगे। हमने सबको जोड़ा, यहाँ हमारा 0 और ये 0 और ये 6 और 4 प्लस 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 में 1 प्लस किया हमने 13 और ये 15 1560। सिग्मा P1 क्यू वन 1560। इसके बाद आगे करते हैं हम सिग्मा पूरे 5 और यहाँ 5 प्लस 8 13 1 कैरी हो गया हमारा 3 4 5 6 635। सिग्मा P0 क्यू वन 635।
और अभी लास्ट जो बचता है इसका सिग्मा करते हैं हम, यहाँ पर जीरो दो और छह आठ और ये सिक्सटीन, थ्री फोर फाइव सिक्स, 660। ये सिग्मा पी वन कैप जीरो 660। तो अब फार्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो सभी वैल्यूज हमारे पास है। तो अब हम दोनों तरीकों से लास्ट ईयर और पास्ट ईयर दोनों तरीकों से हम सूचकांक निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, सिग्मा पी वन कैप जीरो, सिग्मा पी वन कैप जीरो हमारा ये है 660। इसको डिवाइड करना है हमें सिग्मा पी जीरो कैप जीरो से, सिग्मा पी जीरो कैप जीरो 635 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम 660 को सीधे 635 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा 100 हमारा आंसर जो है वो डेसिमल्स के अंदर आता है, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल होता है वो राइट साइड में टू डिजिट राइट साइड में सरक जाएगा। या हम पहले ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर इसे 635 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 103.94। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद आएगा, तो हमें सिर्फ भाग करना है और भाग करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पास्ट मेथड से होगा, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा पी वन क्या हुआ, सिग्मा पी वन क्या हुआ है हमारे पास 1560। 1560 को हमें डिवाइड किससे करना है, सिग्मा पी जीरो क्या हुआ, सिग्मा पी जीरो क्या हुआ ये है हमारे पास 1450। तो इसे हम गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ जीरो से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद सेम वही तरीका अप्लाई होगा, हम या तो 156 को 100 से पहले ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें 145 से, या पहले उनको डिवाइड कर लें और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.107.59। इस तरह से हमारा आंसर आएगा, 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जो है टू डिजिट राइट साइड की तरफ सरक जाएगा। तो ये तो हुए दोनों तरीके, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर। अब तीसरा तरीका हमारा है फिशर का मेथड। तो फिशर क्या करता है, फिशर की अगर हम बात करें तो फिशर ने दोनों तरीकों का, दोनों जो हमारा लास्ट ईयर और जो हमारा पास्ट ईयर मेथड है उन दोनों को यूज किया है। तो एक तरह से लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन है फिशर का फार्मूला। ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि पहले इन दोनों के फार्मूलों की मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका अंडर रूट वर्गमूल हम निकालते हैं। ये एल यहाँ पर लास्ट ईयर के फार्मूले के लिए और पी पास्ट ईयर के फार्मूले के लिए है। तो हम यहाँ पर इनका फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर का है पी वन क्या जीरो, हम यहाँ पर लिखें सिग्मा पी वन क्या जीरो बटे सिग्मा पी जीरो क्या जीरो, ये लास्ट ईयर का फार्मूला हो गया मल्टीप्लाइड बाय पास्ट ईयर पी पी एन की पास्ट ईयर। तो हम ये वैल्यू लिखते हैं सिग्मा पी वन क्यू वन बटे सिग्मा पी जीरो क्यू वन और इस सब का अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से। तो यही फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है दोनों का। तो अब यहां पर भी जब हम फिशर के तरीके से निकालते हैं तो यही वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर हमने जो यहां पर लिखा था यहां इसके फार्मूले में 660 बटे 635, 660 बटे 635 गुणा पास्ट ईयर के मेथड में हमने क्या किया था 1560 बटे 1450 और इस पूरे का वर्गमूल और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों मैंने यहां सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है कि ये लास्ट ईयर है और ये पास्ट ईयर है। यहां सीधा सीधा ये ना लिखकर हम सीधा जो आंसर आया था वो भी लिख सकते हैं। तो हम सबको पता है जब हमने 660 को यहाँ पर जब निकाला तो हमारा कितना आया था 103.9। लेकिन 103 हमारा कब आया था, 103.94 जब हमने 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया था। अगर यहां हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये डेसिमल यहाँ की बजाय यहाँ था, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1.03 मल्टीप्लाइड बाय सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा। जब 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो उसके बाद यहाँ डेसिमल आया है, जब 100 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तब डेसिमल यहाँ था जीरो के आगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.07 और इसका अंडर रूट और गुणा 100। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने 1.03 और जो हमारा 1.07 है इसकी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है।
मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आता है, हमारा आंसर आएगा 1.1021 और इसका अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमारा आया है 1.1021, हमें इसका अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहां पर आपको वर्गमूल आना जरूरी हो जाता है, तो मैं वर्गमूल आपको निकाल कर दिखाती हूं। 1.1021 हमें इसका अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूनिट साइड होती है, यूनिट साइड से हम जोड़े बनाते हैं दो दो के, क्योंकि ये हमारा वर्गमूल है। तो ये इस तरह से हमारे जोड़े बन गए। अब यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है तो इसे हम रहने देंगे, लेकिन वहां से हम यूनिट साइड से हम जोड़े बनाएंगे। और इसके बाद जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं इसे 1 से डिवाइड करूं तो 1 1 जार पे ही चलेगा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जार पे ही चलेगा। तो सीधी सी बात है, ये 1 पे चलेगा, 1 1 जार। अब इस ये जो हमारा ऊपर आंसर है 1, इसका डबल हम यहां पर उतारते हैं, और डबल उतारने के बाद जो नेक्स्ट कपल पूरा का पूरा जोड़ा उतारेगा हमारा, पूरे 10 का जोड़ा था तो पूरा 10 हमने आगे उतार लिया। अब फिर से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस 2 के मैं अगर यहाँ पर 1 लिखती हूँ 21 बन जाएंगे, तो 21 1 जार पे ही चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी तो ये 22 बन जाएंगे और 22 2 जार पे ही चलेगा। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। लेकिन आप सभी को पता है जब मैं यहाँ 1 भी लिख देती हूँ, यहाँ 1 मैंने लिख दिया तो ये 21 बन जाएंगे, और ये कितने हैं 10, तो 10 कम है 21 से, तो इट मीन्स हम नहीं चला सकते इसको। तो इसके लिए हम ऊपर डेसिमल लगाकर यहाँ जीरो चढ़ाएंगे और जो अगले वाला जोड़ा है उसे इस हाथ में उतार लेंगे। तो इस प्रकार अब ये ऊपर हमारा 10 बन गया और 10 का डबल यहाँ पर 20 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 201 लिखती हूँ तो 201 को 1 से ही गुणा करूंगी, अगर मैं 202 लिखती हूँ तो 202 गुणा 2 ही होगा। तो अगर हम इसको देखें ये 1021 है तो ये मेरे ख्याल से 5 पर चलेगा, क्योंकि 5 पर चलने पर 5 को इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो ये 1021 है और ये 1025 है, और जरा सा माइनस का फर्क है तो डेसिमल्स में हमारा इतना चल जाता है, तो लगभग 1.05 हमारा यहाँ पर इसका वर्गमूल आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1.05, जो 1.1021 का वर्गमूल था वो हमारा 1.05 आया है। गुणा 100 करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, तो आप सभी को पता है जब 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में सरकेगा, तो हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा 105। तो ये 105 जो आंसर आया है ये हमारा फिशर मेथड से आया, फिशर मेथड से जब हमने सूचकांक निकाला तो हमारा आंसर आया 105, और जब हमने लास्ट ईयर मेथड से निकाला सूचकांक तो हमारा आंसर आया 103.94, और जब हमने पास्चे मेथड से निकाला तो आंसर था हमारा 107.59। तो ये अंतर अलग अलग हमारा आंसर हर तरीके से अलग आया। तो इसका कारण क्या है कि जो लास्ट ईयर थे, लास्ट ईयर ने हमें पता है बेस ईयर को महत्व दिया, बेस ईयर की क्वांटिटी को महत्व दिया, हमें पता है बेस ईयर के अंदर हमारी प्राइसेस और क्वांटिटी क्या थी वो कम थी, और जो हमारा करंट ईयर है वहां पर कीमतें और उनकी क्वांटिटी अधिक थी। तो यही कारण है कि लास्ट ईयर से जो सूचकांक निकला, क्योंकि उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को अधिक महत्व दिया तो उसका आंसर भी यहाँ पर कम है, और पास्ची ने करंट ईयर की क्वांटिटी को अधिक महत्व दिया तो इसीलिए जो पास्ची का आंसर है वो सबसे अधिक है। लेकिन फिशर का जो मेथड है, फिशर ने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया तो इसीलिए जो फिशर का आंसर है वो इन दोनों के बीच का आंसर है 105। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम दोनों तीनों तरीकों से हम अपने सवाल को निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा वो साधारण या सामान्य मूल्य सूचकांक था। जो सामान्य मूल्य सूचकांक होता है ये कीमतों में परिवर्तन को तो मापता है, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों के ऊपर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें नहीं बता पाता। तो समाज के किसी विशेष वर्ग के ऊपर या समाज के अलग अलग वर्गों के ऊपर कीमतों में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमें विशेष प्रकार के सूचकांकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हमें पता करना है उपभोक्ताओं के बारे में
तो उनके लिए विशेष प्रकार का सूचकांक बनेगा। हमें उत्पादकों के बारे में जानना है, व्यापारियों के बारे में जानना है, क्योंकि समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं वो विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग विभिन्न अनुपातों में करते हैं। तो इस कारण से किसी एक सूचकांक का प्रयोग हम सभी वर्गों के ऊपर नहीं कर सकते, तो हर एक अलग वर्ग के लिए अलग प्रकार का सूचकांक हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सूचकांकों को यहाँ दो तीन भागों में बांट सकते हैं। ये मैंने लिखा है, सबसे पहला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI इसे हम बोलते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो कंज्यूमर वर्ग जो हमारा होता है, उपभोक्ता वर्ग जो होता है, उनके ऊपर कीमतों में परिवर्तन का आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के अंदर जो कीमतों में बदलाव आया है उस बदलाव का कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस परिवर्तन को मापता है CPI, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस वर्ग के ऊपर प्रभाव को जारीगा, उपभोक्ता वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हमें ये बताएगा। तो यहाँ विशेष वर्ग हमारा कौन सा हो गया, उपभोक्ता वर्ग। और आप सभी को पता है कि जो उपभोक्ता वर्ग होता है वो जो वस्तुएं खरीदता है तो वो वस्तुएं किन कीमतों के ऊपर खरीदता है, फुटकर कीमतों के ऊपर खरीदता है। फुटकर कीमतें यानी कि रिटेल प्राइसेस। तो प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुएं किन कीमतों पर प्राप्त होती है, फुटकर रिटेल प्राइसेस के ऊपर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब हम कीमतें लेंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अंदर जब हम प्राइसेस लेते हैं तो हम कौन सी प्राइसेस लेंगे, रिटेल प्राइसेस, फुटकर कीमतें लेंगे। और ये जो फुटकर कीमतें होती हैं ये उपभोक्ता वर्ग के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा जब कीमतें बढ़ जाती है या कीमतें घट जाती है। तो इस तरह से जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है इसका एक और नाम है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, लागत सूचकांक ये इसका दूसरा नाम है। तो ये क्या बताता है, निर्वाह लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में बताएगा। जब कीमतें बढ़ती हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कीमतें घट जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग घट जाएगी। तो जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसका एक और नाम है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। ये क्यों है इसका ये नाम, क्योंकि कीमतों के घटने और बढ़ने का उपभोक्ता वर्ग के वास्तविक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे मापता है, इसीलिए हम इसे जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कहते हैं। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक वो कीमत सूचकांक हुआ जो उपभोक्ता वर्ग के ऊपर आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो कीमतों में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को मापता है। और इस सूचकांक के अंतर्गत हम फुटकर कीमतों का प्रयोग करते हैं और इसका एक अन्य नाम भी है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। इसके अलावा एक और सूचकांक है हमारा जिसका नाम है थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत होलसेल प्राइसेस। तो हम इसे लिखेंगे होलसेल प्राइसेस यानी कि WPI, होलसेल प्राइसेस। तो जैसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक उपभोक्ता वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कीमत परिवर्तन का ये बताता है, ठीक ऐसे ही थोक कीमत सूचकांक जो हमारा उत्पादक वर्ग है या हम कह सकते हैं कि हमारा व्यापारी वर्ग है, क्योंकि उत्पादक और व्यापारी वर्ग को जो वस्तुएं खरीदते हैं ये थोक कीमतों पर बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो थोक कीमतों के ऊपर ये खरीदते हैं। तो थोक कीमत सूचकांक उत्पादक या व्यापारी वर्ग के ऊपर कीमतों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो कीमतों में परिवर्तन आया है उसका उत्पादकों और व्यापारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए हम थोक कीमत सूचकांक निकालते हैं। तो यहाँ पर जो कीमतों का हम प्रयोग करेंगे वो कीमतें हमारी होंगी थोक कीमतें। थोक कीमतें क्या होती है ये आप सभी को पता है कि जब सामान को बड़ी मात्रा में लमसम मात्रा में अधिक मात्रा में खरीदा जाता है तो कीमतें कम होती है, तो वो कीमतें हमारी होलसेल थोक कीमतें कहलाई जाती है। तो जब हम थोक कीमत सूचकांक की निकालते हैं तो हम थोक कीमतों का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ इन दोनों के अंदर अंतर भी कर सकते हैं कि जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है वो उपभोक्ता वर्ग के लिए होता है और जो थोक कीमत सूचकांक होता है वो उत्पादक और व्यापारी वर्ग के लिए होता है। यहाँ पर हम फुटकर कीमतों का प्रयोग करते हैं जबकि थोक कीमत सूचकांक के अंदर हम थोक कीमतों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और सूचकांक है जो है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसे हम IIP इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं यानी कि इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, जो उद्योग है हमारे उन उद्योगों के अंदर जो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है या कमी हुई है आधार वर्ष की तुलना में, बेस ईयर की तुलना में जो करंट ईयर है उस करंट ईयर के अंदर औद्योगिक उत्पादन में क्या परिवर्तन आया है
उस परिवर्तन को मापता है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इस तरह से ये तीन सूचकांक हमने पढ़े जो अलग अलग वर्ग के लिए है, किसी विशेष वर्ग के लिए है। ये उत्पादक औद्योगिक वर्ग के लिए है, ये हमारा व्यापारी वर्ग और उत्पादकों के लिए है, और हमारा उपभोक्ता कीमत सूचकांक उपभोक्ता वर्ग के लिए है। इसके अलावा चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है मुद्रा स्फीति के बारे में। मुद्रा स्फीति, ये एक लास्ट टॉपिक बचता है। मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा स्फीति होती है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक बढ़ती रहती है, तेजी से बढ़ती है, तो वो हमारी मुद्रा स्फीति की स्थिति कहलाती है। हमने देखा कि सूचकांक क्या होता है, सूचकांक कीमतों में परिवर्तन को मापता है। बेस ईयर के कंपैरिजन में जो करंट ईयर है वहां पर कीमतों में जो परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को मापता है। मापने का एक तरीका है, एक मैथमेटिकल, एक स्टैटिस्टिकल तरीका है हमारा सूचकांक। लेकिन यही कीमतें जब एक लंबे समय तक बढ़ती रहती है तो उसे हम मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब मुद्रा स्फीति आती है यानी कि लॉन्ग टाइम तक जब कीमतें बढ़ती जाती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि मुद्रा का मूल्य जो होता है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा का मूल्य एक तरह से मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति यानी कि उससे हम कितना खरीद पा रहे हैं। क्रय शक्ति, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति, जैसे हम 100 रुपए के अंदर कुछ सामान खरीदते हैं, आज 100 रुपए के अंदर हम कितना सामान खरीदेंगे, उसी 100 रुपए से 10 साल पहले हम कितना खरीद पाते थे। तो आप सभी को पता है कि 10 साल पहले कीमतें बहुत कम रही होंगी और इस कारण से 10 साल पहले 100 रुपए के अंदर काफी ज्यादा सामान आ सकता था लेकिन वर्तमान में कम आएगा। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण है मुद्रा स्फीति, क्योंकि कीमतें बढ़ गई, लंबे समय से कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो कीमतों के बढ़ने के कारण क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा के मूल्य के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव, जब जैसे जैसे स्फीति अधिक होगी, इन्फ्लेशन होगा, कीमतें बढ़ेगी, वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य कम होता जाएगा। अगर कीमतें घटती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी जो हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं और इस तरह से हमने अपने चैप्टर को अब कंप्लीट कर लिया है।